Hello children, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about brush tool. You all know that brush tool is a type of painting tool which is used to create a smooth stroke on foreground color. It is just like artist paint brush which can create or draw any type of drawing on the canvas. So let us see how can we use brush tool. First of all, you click here and you select the brush tool. After that, you open an image. Suppose this is my image and I want to change the color of this house. For this purpose, I will use brush tool. First of all, I will use your magic wand tool and select the color. Okay. Now I will select the brush tool, select the color from here, and I will okay. After that, I can use the size of the brush. Okay, you can see here by using this slider, you can increase or decrease the size of the brush. After that, you can choose the stroke of the brush, which type of brush you required. There are so many brush strokes are here, you can see. As per your choice, you can select and apply the brush. Okay, now you can see here, this is the brush stroke I am going to apply. Select karne se kya fayda hoga ki jo selection range hai hamara brush usi mein काम करेगा. अगर सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो ये जो कलर है आगे पीछे निकल सकता है. ठीक है, अब हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब हम लोग किसी दूसरे कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं. चलिए, और फिर हम लोग ब्रश टूल पे जाते हैं. अब क्या, अब अपने ब्रश के साइज़ को यहाँ से कैप्स लॉक की प्रेस करके हाइड भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं. ठीक है, ये देखिए, फिर अब हम लोग दूसरे कलर्स को क्या कर रहे हैं, इस पर अप्लाई कर रहे हैं. तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, ब्रश के साइज़ को आप छोटा कर सकते हैं. यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से छोटा कर दीजिएगा. ओके, क्लियर. अब चलिए, ये देखिए, थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको छोटा कर दिया. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं. चलिए, अब हम लोग इस सेटिंग को चेंज करते हैं. ठीक है, सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए. टॉलरेंस को हम लोग क्या करते हैं, कुछ कम कर देते हैं. कंट्रोल डी डी सेलेक्ट करने के लिए. अब ये देखिए, ठीक है, फिर ब्रश टूल ले लीजिए आप लोग और कोई दूसरा कलर आप सेलेक्ट कीजिए. ठीक है, मान लेते हैं हम ये कलर ले लेते हैं और ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग. ठीक है, इस तरह से देखिए, आप भी अप्लाई कर सकते हैं. इस तरह से क्या होता है कि ब्रश टूल जो होता है कहीं भी कलर चेंज करने के लिए यूज होता है. ठीक है, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बात समझ आ गया. अब आप फिर से ब्रश टूल ले लीजिए, क्लियर, और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, फिर यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, इस तरह से जो होता है ये ब्रश टूल यूज होता है. ठीक है, चलिए, तो ये एक हमारा यूज हो गया. अगर हम लोग दूसरी यूज को देखते हैं ब्रश टूल को, मान लेते हैं कभी आप देखते हैं किसी का जो चेहरा होता है उसका स्किन जो होता है उतना साफ नहीं होता है जितना होना चाहिए. ठीक है, तो मान लेते हैं हम किसी दूसरे स्किन को ले लेते हैं, उसके कंपेरिजन हम लोग क्या चाहिए, हमको स्किन चाहिए. ठीक है, बस में आ गया. तो
आप लोग जो है कंट्रोल की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो पिक्चर का जो कलर है इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्ट की प्रेस करेंगे तो आपका देखिए ये ड्रॉपर में चेंज हो जाएगा। आपको याद रखना है अल्ट की प्रेस करना है, ठीक है। तो ये ड्रॉपर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है, 20% कर लीजिएंगे, कर लेंगे। फ्लो को भी क्या करेंगे, 20% करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अपने इमेज को क्या कीजिएगा, जूम कीजिएगा, ठीक है। सॉरी, इस इमेज को जूम कीजिए, ठीक है। अब इस इमेज को जूम करने के बाद अब क्या कीजिए, ब्रश के साइज़ को अपने अनुसार ले लीजिए, ठीक है, और इसको अप्लाई कीजिए। देखिए, ठीक है, बस में आ गया, ये अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से अप्लाई करते जाइएगा तो ये देखिए ज़रूर इसका कलर चेंज होगा, इस ठीक है। तो ज़रूरत के अनुसार आप क्या करेंगे, सारे चीज़ को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा फेयर कम्प्लेक्स ज़रूर होगा, और भी जूम कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सब फ्लो और टॉलरेंस और ज़रूरत के अनुसार आप क्या करेंगे, कम करेंगे। इससे क्या होगा, आपका स्किन रेम पूरी तरह से गोरा होते जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग इस तरफ आते हैं। ये देखिए लगभग हो गया है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, चलिए सब जगह हो गया, ठीक है। कंट्रोल माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है, बस में आ गया। चलिए ये देखिए थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग कर लेंगे, फ्लो और ओपेसिटी को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे हम लोग, ठीक है, बस में आ गया। अब हम लोग करेंगे देखिए, ठीक है, ऐसा कि पता भी नहीं चले। चलिए ये हो गया, बस ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक है, हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इमेज के को और भी अगर कोई सांवला है तो उसको आप गोरा बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिए, बस में आ गया। देखिए ये हो गया। अब मान लेते हैं आपको बाल को और काला करना है, ठीक है, तो आप इमेज के इसको छोटा कर लीजिए और थोड़ा सा ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आप बाल को क्या कर सकते हैं, काला कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से भी आप ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ब्रश टूल का यूज है, बात समझ में आया। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इमेज की ओर। अब मान लेते हैं कभी कभी आपने क्या देखा होगा कि इस इमेज पे कुछ अच्छा सा पैटर्न वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, ब्रश टूल में बहुत सारा इनबिल्ट पैटर्न रहता है, ये देखिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं आप कलर थोड़ा सा डिफरेंट सेलेक्ट कीजिए, तो ये देखिए यहाँ से साइज़ आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। और ये देखिए चलिए देखते हैं, हम लोग नया इमेज ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, ब्रश के साइज़ को बढ़ाते हैं, क्लियर। यहाँ पर हम लोग फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से लगता है कोई प्रॉब्लम है। ओह सॉरी, आप लोग ओपेसिटी बढ़ा दीजिए, फ्लो बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए बस में उस समय ओपेसिटी और फ्लो मेरा क्या था, कम था, ठीक है, ये बढ़ा दीजिए। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप ग्लास का आप लोग क्या कर सकते हैं, इमेज इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए, ठीक है, ग्रीन कलर ले लेंगे तो आपको क्या होगा, पूरी तरह से घास बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है, बस में आ गया। और भी बहुत सारा इनबिल्ट पैटर्न है, यहाँ से आप ले लेंगे, ये लिप्स देखिए, ठीक है, जिस कलर का लिप्स लेंगे वहाँ पे ये बस में आ गया, ठीक है। तो ये सब जो है आपका यूज है। यहाँ पे देख लीजिए स्टार्स वगैरह भी है, तो आप स्टार्स वगैरह भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये भी आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, बस में। मान लेते हैं इसमें पिंपल्स वगैरह है, ठीक है, तो चलिए इसके हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पिंपल्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए,
कैप्स लॉक की प्रेस कीजिए और यहाँ पे साइज देखिएगा, ठीक है, ब्रश के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और अल्ट की प्रेस करेंगे और ये स्क्रीन ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए बस में आ गया, अल्ट की प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, पिंपल्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए देखिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। तो ब्रश टूल जो होता है आर्टिस्ट का पेंट ब्रश होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी इमेज पे, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखेंगे, अगर इमेज को ज़्यादा क्लीन करना है तो ये ऑपेसिटी और फ्लो को कम करते जाएंगे। तो इस तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।